कार दुनिया की सबसे सस्ती कार खरीदने के लिए लोग हो रहे हैं बेताब। अब बहुत ही जल्द ही सस्ती कार खरीदने वालों का सपना सच होने वाला है, क्योंकि बजाज कंपनी अपने अभी तक की सबसे सस्ती कार लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इस कार का नाम क्यूट रखा है। इस कार के बारे में पहले ऐसी बातें की जा रही थी कि कंपनी अपने इस कार को केवल 60,000 रुपए में बेचने वाली है। आपको बता दें कि कंपनी ने इस कार को सबसे पहले साल 2008 में ऑटो एक्सपो में पेश किया था। आपको बता दें कि कंपनी ने आज इस कार को 60,000 रुपए में देने से भले ही इनकार कर दिया हो, लेकिन आज भी ये कार सबसे कम रुपए में उपलब्ध होने जा रही है। पहले कंपनी ने इस कार के बारे में कहा था कि इस कार को साल 2011 से 2012 के बीच लॉन्च कर देगी, पर अब कंपनी ने बताया है कि इस कार को इस साल के आखिरी तक लॉन्च करने वाली है तथा इस कार की कीमत करीब 1.3 लाख रुपए तय की गई है। इस कार के बारे में एक और बात है जो कि सबसे खास है, और वो है कि इस कार की माइलेज, जो कि इस कार को सबसे अलग बताती है। ये कार करीब 35 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देती है। इसके साथ ही ये सस्ती कार में आपको ऑटोमेटिक गैरेज बॉक्स भी मिल सकता है। आपको बता दें कि कंपनी अपने इस सस्ती कार को सितंबर में लॉन्च कर देगी। पहले कंपनी ने इस कार का नाम RE60 रखा था, जिसका नाम बदलकर क्यूट रख दिया है। इसके अलावा कंपनी ने गाड़ी को कार नहीं कहकर कोड़ी साइकिल का नाम भी दिया था। आपको बता दें कि इस कार में 2016.6 cc का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि इस कार को 13.2 PS की ताकत देगा। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि इस कार को CNG और LPG में भी लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने बताया है कि इस कार की अधिकतम स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस कार में 15 स्पीड यूनिट वाला गैरेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस कार को लेकर बाजार में ऐसी अफवाहें हैं कि इस कार की कीमत करीब 60,000 रुपए है, जिसके कारण लोगों ने इसे बुकिंग करना शुरू कर दिया है। मगर अब कंपनी ने इस बात को साफ कर दिया है कि इस कार की कीमत 60,000 रुपए नहीं बल्कि इसकी कीमत 1,30,000 रुपए है। बताया जा रहा है कि कंपनी इस कार को तुर्की, श्रीलंका